गाइस ये है iPhone 14 Pro Max और आज के इस वीडियो में बताता हूँ इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर्स और हिडन फीचर्स। जैसे कि ये हमारा मैक्स मॉडल है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक हाथ से यूज करने में काफी दिक्कत भी आती है कभी कभी, पर बड़ी डिस्प्ले का फायदा तो होता है तो थोड़े नुकसान भी होते हैं, पर आईफोन इसका सोल्यूशन लेके आते हैं। अगर आप इसे एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो आपने सेटिंग्स में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपने आना है एक्सेसिबिलिटी में और यहाँ पर टच की ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आना है और ऊपर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन दिख जाएगी रीचेबिलिटी की, आपने इसे अनेबल कर देना है। अब आप अपने मैक्स को या फिर किसी भी आईफोन को एक हाथ से यूज कर सकते हो। इसके लिए आपने नीचे से हल्का सा स्वाइप डाउन करना है और अब आप एक हाथ से इजिली अपने फोन को यूज कर सकते हो, ये मिनी बन गए एक तरह से। और अब आप एक बात नोटिस कर सकते हो, दो दो डायनेमिक आइलैंड दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे वाला डायनेमिक आइलैंड ऊपर वाले डायनेमिक आइलैंड की तरह वर्क करता है। अगर आपने म्यूजिक प्ले किया है तो ये नीचे वाले डायनेमिक आइलैंड पर भी आएगा, मतलब एप्पल ने काफी यूजफुल बना के रखा है इस फीचर को। अब नेक्स्ट फीचर बताता हूँ जो कि आपको नए वाले आईफोन में देखने को मिलता है। जब भी हम अपने आईफोन को शट डाउन करते थे तो किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता था, जो हमारी मैकबुक है जब भी आप इसे ऑन ऑफ करते थे बहुत ही मस्त बिंदास साउंड निकल के आती है। और अब आप अपने इस आईफोन में भी ये कर सकते हो। इसके लिए आपने सेटिंग्स में आना, फिर से आपने एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पर आपने ऑडियो एंड विजुअल में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी पावर ऑन ऑफ साउंड्स, यहाँ पर आपने इसे अनेबल कर देना है। और अब जब भी आप अपने आईफोन को शट डाउन करोगे तो ये साउंड आपको सुनने को मिलेगी और ऑन करने पर भी आपको ये साउंड सुनाई देगी और उसके साथ में हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है जब आपने फोन हाथ में पकड़ा होता है। अब नेक्स्ट फीचर आपके काफी काम में आएगा। अगर आप आईफोन में स्क्रीनशॉट लेते हो और आप चाहते हो कि ये मेरे फोटोज में सेव ना हो, आप डायरेक्ट किसी को शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने डन बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉपी एंड डिलीट की ऑप्शन मिलती है, इसको आपने यहाँ से कॉपी एंड डिलीट कर देना है। उसके बाद ये फोटो आपके फोटोज एल्बम में सेव नहीं होगा और आप चाहे तो व्हाट्सएप पर किसी को भी इसे इजिली पेस्ट कर सकते हो या फिर जहां भी आपने पेस्ट करना है उसे सेंड कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट उसके पास चला जाएगा और आपकी फोन मेमोरी में भी नहीं रहेगा। गाइस हमारे 14 प्रो मैक्स में 2000 ब्राइटनेस निट्स दे के रखे हैं जो कि अब तक के सबसे ज्यादा ब्राइटनेस निट्स हैं किसी भी स्मार्टफोन के, पर अगर आप खुद से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देते हो, फुल कर देते हो, तो ये पूरी 2000 ब्राइटनेस निट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये तब वर्क करता है जब आप डायरेक्ट सनलाइट में अपना फोन यूज कर रहे हो, तब ये ऑटोमेटिकली आपके फोन की ब्राइटनेस को 2000 ब्राइटनेस निट्स तक लेके जाता है अकॉर्डिंग टू सनलाइट। और गाइस अगर आप डायनेमिक आइलैंड वाला आईफोन यूज करो और आपने कोई म्यूजिक प्ले करके रखा है, जैसे डायनेमिक आइलैंड में आप देख सकते हो अभी म्यूजिक प्ले होके रखा है और मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, तो इस स्क्रीनशॉट में ऊपर डायनेमिक आइलैंड भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये डायनेमिक आइलैंड ना आए स्क्रीनशॉट लेते टाइम, तो आपने स्वाइप करना है हल्का सा और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है और अब डायनेमिक आइलैंड नहीं दिखाई देगा आपके स्क्रीनशॉट में। गाइस ये जो फीचर मैं बता रहा हूं ये बहुत काम में आएगा आपके। अगर आपका फोन आपसे थोड़ा दूर रखा हुआ है या फिर आप ड्राइव कर रहे हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपका फोन पर कॉल आ रही है किसी की, तो फिर आपने एक काम करना है, आपने कहना है हे सिरी पिकअप कॉल, और ये आपकी कॉल को पिक करके स्पीकर पे भी डाल देगा। बहुत काम का फीचर है ये। और इसी तरह से अगर आपने इस कॉल को कट करना है तो आप कह सकते हो हे सिरी हैंग अप द कॉल, पर ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको एक सेटिंग अनेबल करनी होगी। इसके लिए आपने तुरंत सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर आपने सिरी एंड सर्च में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी कॉल हैंग अप की, तो इसको आपने अनेबल कर देना है। और अब आप कॉल पे बात भी कर रहे होंगे तो आपने कहना है हे सिरी हैंग अप कॉल, तो आपकी कॉल कट हो जाएगी। है ना मस्त फीचर, काफी काम में आएगा ड्राइविंग के टाइम या फिर फोन दूर रखा हुआ है तो। अब नेक्स्ट फीचर बताता हूँ आपको। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक किया है और आपको उसकी पीएनजी चाहिए, आपने लॉन्ग प्रेस करना है, फिर उसके बाद ऊपर आपको शेयर के ऑप्शन दिखाई देगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आप डायरेक्टली इसे सेव कर सकते हो और अब ये पीएनजी बन के आ चुकी है और ये आप देख सकते हो और क्लियरिटी बिल्कुल एग्जैक्ट रहने वाली है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का पीएनजी बना सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लेटेस्ट आईफोन iOS 16 में हमें सर्च ऑप्शन नीचे की तरफ मिल जाती है, बहुत ही फास्ट दिखता है ये किसी भी ऐप को या फिर आपने कुछ भी सर्च करना अपने फोन के अंदर, और आप चाहें तो स्वाइप डाउन करके भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। और आपको ये नीचे की तरफ ये सर्च ऑप्शन अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे बंद भी कर सकते हो। इसके लिए आपने सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपने होम एंड स्क्रीन में आ जाना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाएगी सर्च की शो ऑन होम स्क्रीन, इसे आपने बंद कर देना है अब होम स्क्रीन से। अब होम स्क्रीन पर ये सर्च के ऑप्शन यहाँ से चले जाएगी, यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई देंगे, ये डॉट्स दिखाते हैं कि आपने कितने पेजेस बना के रखे हैं ऐप्स के होम स्क्रीन में। अगर आपके पास डायनेमिक आइलैंड वाला आईफोन है तो आप इस डायनेमिक आइलैंड के साथ में गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे पर मैंने दो गेम्स डाउनलोड करके रखे जैसे हिट द आइलैंड है, तो आप भी इसे एंजॉय कर सकते हो फ्री टाइम पर, इसे डाउनलोड कर लेना है आपने ऐप स्टोर से, यहाँ पर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, तो आप कुछ इस तरह से इस गेम को खेल सकते हो, आपने आइलैंड को हिट करना है इस तरह से और अपना स्कोर बना सकते हो।
और इसी तरह से ये दूसरी गेम है जिसमें भी स्कोर बनाने, ऊपर की तरफ ये कैट है, इस तरह से आप स्कोर भी बना सकते हो। टाइम पास के लिए आप इस डायनेमिक आइलैंड से भी गेम्स खेल सकते हो। अगर आप नॉर्मली ऐप स्टोर पर डायनेमिक आइलैंड भी सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको ढेरों सारे गेम्स और बहुत कुछ मिल जाएगा डायनेमिक आइलैंड के रिलेटेड। और इस डायनेमिक आइलैंड के लिए स्पेशल कुछ एप्लीकेशन भी बनी हुई है जो कि मस्त मस्त वॉल पेपर भी आपको देती है। तो जैसे आप देख सकते हो ये वॉल पेपर डायनेमिक आइलैंड के ऊपर ही डिजाइन किए गए हैं। ये आप देख लो, काफी ज्यादा मस्त मस्त वॉल पेपर है ये। और इस ऐप का नाम है आइलैंड वॉल पेपर्स। इनमें से आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसे आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो अपने आईफोन में। और ये सेव होके आ चुका है मेरे आईफोन में और मैं इसे डायरेक्ट अपने फोन में वॉल पेपर की तरह यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर यूज एंड वॉल पेपर की ऑप्शन आ चुकी है। वॉल पेपर सेव होने के बाद आपने यहाँ पर शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज वॉल पेपर की ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट अपने होम स्क्रीन पर इसे रख सकते हो या फिर लॉक स्क्रीन पर रख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। काफी मस्त तरीके से आप इसे थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पर डन बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पर रखने की, और आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कस्टमाइज के ऑप्शन है, यहाँ पर आप होम स्क्रीन के लिए कस्टमाइज कर सकते हो, कलर रखना है आपने, जिस भी तरह से आपने रखना है वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी ये वॉल पेपर रख दिया मैंने, देखो कितना कूल लग रहा है। और ये मुझे एक और वॉल पेपर मिला, इससे तो पता नहीं लग रहा हमारे डायनेमिक आइलैंड का कि वो ऊपर हैवी या फिर नहीं। ये देखो कुछ इस तरह से लगेगा ये वॉल पेपर, पूरे के पूरे फोन स्क्रीन लग रही है। बहुत सारे आईफोन यूजर्स को नहीं पता कि उनके आईफोन में एक स्केल देके रखा है जिससे आप कुछ भी नाप सकते हो। इसके लिए आपको अपने आईफोन में एक ऐप का यूज करना होगा और उसका नाम है मेजर। इसे आपने ओपन कर लेना है। और अगर आपके आईफोन में लाइडार सेंसर है तो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बताता है जिस भी चीज को आप नापना चाहते हो। तो जैसे हम सिल्वर प्ले बटन को अभी नाप के देखते हैं कि इसकी रेशो क्या है। तो जैसे अभी हम सिल्वर प्ले बटन की रेशो नाप के देखते हैं, तो एक कोने से हम शुरू करेंगे और दूसरे कोने तक लेके जाएंगे तो डायगोनली हमारा सिल्वर प्ले बटन 40 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन नाप के देखता हूँ तो 36 सेंटीमीटर ये निकल के आई। तो मेरे वाले मैकबुक प्रो ये 14 इंच की है, और अगर मैं 36 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करूं तो वो 14 पॉइंट कुछ निकल के आ रहा है। मतलब ये जो मेजर ऐप है ये सच में अच्छे से काम करती है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है हल्का फुल्का, अगर मैं इसको सही से करता तो आई थिंक वो भी नहीं रहता। तो अगर आपने कुछ भी नापना है, आपके पास आईफोन है, तो आप डायरेक्टली इस ऐप का यूज करो और आपका काम बन जाएगा। अगर आप प्रो मॉडल्स यूज करते हो, लाइडार सेंसर है तो बहुत एक्यूरेट बताता है, और नहीं भी है तब भी आपका काम चल पड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जब भी आप एयर ड्रॉप यूज करते हो तो डायनेमिक आइलैंड में पूरा दिखाई देता है कि कितना डेटा आ रहा है और कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, और ये बहुत काम में आता है। मैंने काफी कमेंट्स पढ़े कि ये डायनेमिक आइलैंड अच्छा नहीं लग रहा है, पर जब आप इसे यूज करोगे तो सच में ये बहुत वैल्यू देता है, फिर चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हो। तो फिर गाइस ये थे कुछ अमेजिंग फीचर्स हमारे आईफोन के। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ अपने ब्लॉग चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आ जाना। और अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप इस फैन कॉल ऐप को डाउनलोड कर लो, हम वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं वहां पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।